वर्तमान सरकार में हम सचिवों का एक भी मांग पूरा अभी तक नहीं हुआ। विगत चार सालों से हम लोगों को शासन स्तर से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में जो भी होता है, सर्वा सर्वी होता है, जिसपे दारोमदार होता है, वहाँ भ्रष्टाचार के भी खेल खेले जाते हैं, और ऐसे में कहा जाता है कि सचिवों की भी संलिप्तता इसमें होती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के साथ भ्रष्टाचार नहीं किया जाता है। नहीं, आप करते हैं, आप लोगों के साथ नहीं, ये आप करते हैं। हम ऐसा आपको कुछ लगता है कि सचिव ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से सारे सचिव ईमानदारी पूर्वक से काम करते हैं। पैसों की बंदरबांट की जाती है, धरातल पर वर्क दिखता नहीं, और ऐसे ही पैसे आहरण कर लिए जाते हैं, ऐसे में कैसे आप पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि सचिवों में ईमानदारी? कर्मचारी वर्ग इस सरकार से नाखुश हैं, और इसका परिणाम तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बहुत भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी संगठन बहुत बड़ा संगठन है, और इसमें सिर्फ सचिव संगठन ही शामिल नहीं है, इसमें पूरे प्रदेश के संगठन मदद करने को तैयार। साल में बीजेपी की भी सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने भी कोई खास कदम मेरे ख्याल से नहीं उठाया इस पर आप क्या बोलेंगे? ठगा तो बीजेपी ने भी है, अगर नहीं ठगा होता तो 18 उनके हाथों से थोड़ी जाता। ये कहना गलत है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर विकास खंड में मौजूद हूँ, और ये जो वाड्रफ नगर के नज़दीक प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत जगह, जहाँ पर सचिव संघ पूरे छत्तीसगढ़ में 16 मार्च से लगातार वो धरना पे हैं, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। हमारी भी इच्छा हुई कि क्यों ना इनकी मांगों को और देखा जाए, समझा जाए क्या मांगे हैं, और अब तक क्या पूरा हुआ है वर्तमान सरकार ने किया। चूंकि चुनावी साल है, तो चुनावी साल का लाभ न केवल सरकार लेती है, बल्कि ऐसे ऐसे जो कर्मचारी वर्ग है ये भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिशें हैं इनकी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इनसे बात करेंगे, सवाल करेंगे, आप लोगों की किन किन मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना चल रहा है, 16 मार्च से आप लोग कंटिन्यू हैं, अगर सही तौर पर समझा जाए तो क्या मांगे हैं? हम लोगों का एक ही बस मांग है कि परीक्षा अवधि के बाद सभी सचिवों का शासकीयकरण होना चाहिए। जब मैनोफेस्टो आया था 2018 में कांग्रेस सरकार की, जिसमें बहुतायत जो कर्मचारी वर्ग था वो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान सरकार को सपोर्ट किए थे, चूंकि ऐसा अट्रैक्टिव था भी, तो अब तक चूंकि पांचवा साल कहीं ना कहीं रनिंग है, चार साल तो पूरे हो गए, ऐसे में सचिवों की कितनी मांगों को अब तक वर्तमान सरकार पूरी की है, और अब जो मांगे हैं जो आप बता रहे हैं वो तो आपने बता दिया, इससे पूर्व कौन कौन सी मांगे? चूंकि कहा यह गया था कि पहले भी मांगे थी आप लोगों की, और बहुत मांगों को पूरा भी की गई है, तो इस पहलू को भी जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा है कि वर्तमान सरकार में हम सचिवों का एक भी मांग पूरा अभी तक नहीं हुआ है। विगत चार सालों से हम लोगों को शासन स्तर से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। कई बार पंचायत मंत्री से हमारा संगठन के पदाधिकारियों ने मुलाकात किया, बार बार उनका यही आश्वासन था कि ठीक है, 2 महीने में आपको शासकीयकरण कर दिया जाएगा, 3 महीने में कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक हम लोगों को वो शासकीयकरण नहीं किया गया। एक आशा थी कि पंचायत मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी हम सभी सचिवों को आश्वस्त किए थे कि अभी इस बजट सत्र में आप लोगों का शासकीयकरण हो जाएगा, क्योंकि बजट सत्र में भी हम लोग का शासकीयकरण नहीं हुआ, जिससे हम लोग मायूस होकर उग्र आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप बैठे हैं, अपना परिचय दीजिएगा। मैं अनिल कुमार गुप्ता, वर्तमान पंचायत सचिव संघ वाड्रफ नगर अध्यक्ष। जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा कि पूर्व भी बहुत सारी ऐसी मांगे रही हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं, चार साल की कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अब तक मांगे पूरी नहीं हैं, अभी लगातार मांगे हैं। इन्होंने कहा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप हैं, कब तक चलेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल? जब तक हम लोग का शासकीयकरण नहीं हो जाता, हम लोग इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे कि बजट सत्र का भी सिलसिला, कहीं जो उम्मीदें थी वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं, चाहे पंचायत मंत्री की भी बातें कहीं ना कहीं अधूरी रही हैं, ऐसे में लगता नहीं है कि अब कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर क्या आप लोगों का स्टैंड रहेगा? अब जैसा आगे अपने प्रदेश सचिव संघ से निर्देश होगा, उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोग काम करेंगे, और वैसे हम सभी सचिव ये निश्चित किए हैं कि इस बार आर पार की ही लड़ाई लड़ेंगे जैसा भी होगा।
थोड़ा सा तीखा सवाल आप दोनों से रहेगा मेरा, जो मैंने कहा था कि इस पहलू पर भी मेरी बातें होंगी, मैं सवाल आपसे पूछूंगा। तीखा सवालों में ये है कि चूंकि आप लोगों के पास जो पावर है, डेवलपमेंट का मुख्य पावर है, आप लोग पंचायत सचिव होते हैं, पंचायतों में जितने भी विकास कार्य होते हैं आपके राह से, आपके हाथों से गुजर करके जाता है, और एक इकलौते आप लोग ऐसे पावर हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ युवा वर्ग ये सोचता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ देश भर में बेरोजगार युवाओं की जो संख्या है वो काफ़ी तादाद पर है, और ऐसे चाहते हैं कि उन्हें रोज़गार मिले, और चाहे सचिवों की बात हो, शिक्षाकर्मी की बात हो, ये सब सैलरी बढ़ाने के लिए रेगुलर, जैसे आप लोगों की रेगुलर की बात होती है, तो सिर्फ आप लोग अपने भले के लिए देखते हैं और गवर्नमेंट के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सभी को रोज़गार उपलब्ध करा सके, तो ये बैलेंसिंग बनाने की जो कोशिशें रहती हैं, इसके बावजूद भी आप लोगों का जैसे मन नहीं भरना, पेट नहीं भरना, उनको जितनी भी दे दी जाए पर पेट भरता नहीं है, तो ये आप लोगों पर भी लागू होता है? नहीं जी, नहीं, हम लोगों पर इसलिए लागू नहीं होता है कि हम लोग पेट भरने वाली बात इसमें नहीं है। हम लोगों ने शासन का 27 साल से सेवा दिया, 27 सालों से शासन में, और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर हम ही लोग क्रियान्वयन करते हैं। तो इस स्थिति में अब हम लोग रिटायर के पोजीशन में आ रहे हैं, हम लोगों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है, उस भविष्य को देखते हुए हम लोग अपनी ये लड़ाई जारी रखें। भविष्य को देखते हुए लड़ाई जारी है, थोड़ा सा वही तीखे सवालों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए पूछता ये हूँ, अमूमन जो आप लोगों पे एलिगेशंस भी लगते हैं, मेरे ख्याल से भली भांति वाकिफ होंगे, एलिगेशंस ये लगते हैं कि जो डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में जो भी होता है, सर्वा सर्वी होता है, जिसपे दारोमदार होता है, वहाँ भ्रष्टाचार के भी खेल खेले जाते हैं, और ऐसे में कहा जाता है कि सचिवों की भी संलिप्तता इसमें होती है, ये आरोप हैं, इस पर क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के साथ भ्रष्टाचार नहीं किया जाता है। नहीं, 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 आप करते हैं, आप लोगों के साथ नहीं, ये आप करते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, जो काम होता है, जो शासन के द्वारा काम दिया जाता है, उसको हम लोग भली भांति पूरा करते हैं। जैसे कोई निर्माण कार्य की बात आप कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार होता है, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाना हुआ हम लोग को, तो अगर भ्रष्टाचार हम लोग करते तो बिल्डिंग पूरा कहाँ से होता, रोड कहाँ से पूरा होता, चाहे और जो भी निर्माण कार्य है वो कैसे पूरा होता भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता। तो जब फील्ड पे जाते हैं तो कई देखते हैं बिल्डिंग्स होंगे और बहुत कम समय में ध्वस्त हो जाते हैं, जर्जर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि आपने कहा कि आप लोग 20-25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, फिर ये दिन और ऐसे सिचुएशन देखने को कहाँ मिलता? तो ऐसा कहीं कहीं कुछ कमियाँ हो जाती है, कहीं रेत खराब हो जाते हैं, कहीं सीमेंट की गुणवत्ता खराब हो जाती है, उस स्थिति में बिल्डिंग का कमज़ोर होना एक लाजमी है। और बाकी भ्रष्टाचार, अगर पैसा खा दिया जाए तो फिर बिल्डिंग बनेगा कहाँ से? स्ट्रक्चर तो हम लोग खड़ा करते ही हैं, बनाते हैं, उसकी जांच होती है, सत्यापन होती है, सब होता है। आप भी आइए जरा, कुछ पीछे से गाइड कर रहे थे तो मैं चाह रहा था कि आपसे भी पूछ लिया जाए। जितनी बात दोनों राजेंद्र जी हो गए, अनिल जी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार में हमारी संलिप्तता नहीं रहती, हम लोग काम करते हैं ईमानदारी पूर्वक, कहने का भाव यही है कि ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, आपको लगता है कि सचिव ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से सारे सचिव ईमानदारी पूर्वक से काम करते हैं। जहाँ पे इत्तेफाक से, जैसे भैया ने बताया कि अगर कहीं कमी पाया गया तो उसमें मटेरियल की कमी, कहा जाए रेत की सही गुणवत्ता या सीमेंट की गुणवत्ता, या तो फिर कहीं कहीं क्षण की कमी, बस यही कमी रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे सचिव साथी भ्रष्टाचार के उद्देश्य से विकास कार्य करते हैं। पंचायत ग्रामीण विकास से जितने भी निर्माण कार्य अच्छे अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं, सभी उसमें प्रमुख रूप से हमारे सचिव साथियों का योगदान रहता है। जैसा कि भारत सरकार की तरफ से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को नरेगा विभाग को कई बार अवार्ड मिल चुके हैं अच्छे कार्य करने के। ये तो कागजों पर रहते हैं और उसके बेसिस पे कर देते हैं, धरातल की बात अगर करें तो जैसे मूलभूत या 14वां 15वां बीत के बहुत सारे ऐसे पैसे होते हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं के हिसाब से आपको खर्च करने होते हैं, लेकिन कई ऐसे पंचायतों को खबरों में मिलता है, खबरों के बेसिस पर मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं। उसमें होता ये है कि पैसों की बंदरबांट की जाती है, धरातल पर वर्क दिखता नहीं और ऐसे ही पैसे आहरण कर लिए जाते हैं, ऐसे में कैसे आप पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि सचिवों में ईमानदारी है? नहीं, पैसे की बंदरबांट तो कहीं होती नहीं है सर। देखिए, जहाँ तक पंचायतों में पक्ष विपक्ष होते हैं, हर पार्टी के एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है,
वहाँ पे जांच होती है, प्रक्रिया होती है, जो वहाँ पे गलत पाया जाता है उस पे कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है। ये नेताओं की बात होती है, उसमें कर्मचारी बस पिसते रहते हैं। चलिए, आप लोगों ने कहा कि ईमानदारी पूर्वक आप अपने कार्यों को निर्वहन कर रहे हैं, अगर देखा जाए कि जैसे कि मैनिफेस्टो के बेसिस पर मैंने शुरू में कहा था कि कर्मचारी वर्ग कांग्रेस वर्तमान सरकार को बहुत समर्थन करी थी 2018 में, और जिसके बदौलत बहुत उनकी संख्या थी विधानसभा में सदस्यों की, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी भूपेश बघेल की। इस बार कुछ कर्मचारी वर्ग को खुश करने के लिए कोशिश रही है वर्तमान सरकार की बहुत, लेकिन वर्ग ऐसा भी है जो छूट चुका है। आपकी बात करें, चूंकि बजट सत्र है अभी भी वक्त है, अगर चाहे तो गवर्नमेंट फैसला लेकर के आप लोगों को तोहफा दे सकती है, लेकिन अगर नहीं दी तो इसका 2023 के चुनाव पर क्या असर होगा? 2023 के चुनाव में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। लगभग कर्मचारी वर्ग नाराज है इस बार इस सरकार से। यह सरकार किसी भी कर्मचारी को संतुष्ट नहीं कर पाया है, चूँकि अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने सारे कर्मचारियों को, जैसे संविदा हुआ, अनियमित कर्मचारी हुए, इनको सबको रेगुलर करने की घोषणा अपने मैनिफेस्टो में रखे थे, लेकिन जब इनकी सरकार आई तो आज 4 साल पूरा होने के बाद भी किसी भी कर्मचारी को रेगुलर नहीं किया गया, ना ही शिक्षा कर्मियों को उनका डीए दिया गया, ना वेतन विसंगति को दूर किया गया। तो टोटली इनाल कहा जाए तो सारे कर्मचारी वर्ग इस सरकार से ना खुश हैं, और इसका परिणाम तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बहुत भुगतना पड़ेगा। आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि आपको लाभ लेना है इसलिए सरकार को धमकी दे दें, क्योंकि सरकार के लोग तो ये कहते हैं कि उनको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार भी बनता है तो हम ही आप सबसे मिल के सरकार बनता है, तो ऐसा सरकार यदि सोचती है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता तो ऐसी बात नहीं है। कर्मचारी संगठन बहुत बड़ा संगठन है, और इसमें सिर्फ सचिव संगठन ही शामिल नहीं है, इसमें पूरे प्रदेश के संगठन मदद करने को तैयार हैं। और किसी भी संगठन को एक भी आप बता दीजिए जिस संगठन को सरकार ने खुश किया हो। अभी 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 तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी को बढ़ा करके वो वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने महिला वर्ग को काफ़ी खुश रखा। खैर, ये तो 23 पे डिपेंड करेगा, 23 उसका परिणाम बताएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिलहाल विपक्ष में बैठे राजू सिंह उइके जी हैं, मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं राजनीति हलचल मचाने के लिए आए हैं। पूछते हैं, स्वागत है आपका राजू जी। पहले तो विपक्ष में है इस दृष्टि से कहीं ना कहीं जाहिर है अपनी राजनीति के लिए आप इनका समर्थन देने आएंगे, हर नेता आता है विपक्ष में बैठे नेता, इस पर आपकी क्या राय है? सरकार के द्वारा किसी भी कर्मचारी का अनियमित कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं किया गया। 15 साल में बीजेपी की भी सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने भी कोई ख़ास कदम मेरे ख्याल से नहीं उठाया, इस पर आप क्या बोलेंगे? जितना हो सके बीजेपी सरकार में ही इनका जो जायज मांग था पूरा किया गया है, और प्रयास भी किया गया, जैसे ही सरकार आया बदल गया, इसके बाद नहीं होने पाया। ये तो आज की स्थिति में 4 साल हो गया, पूरा नहीं किया है, और अभी भी अगर सरकार चाहे तो कर लेंगे, लेकिन मेरे को अब नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ठग की सरकार है, सबको ठगा है। बेरोजगारी भत्ता की भी बात कर लेंगे कि बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे, 4 साल बीत गया लेकिन आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आज भी लोगों को प्रलोभन दिया है कि नहीं, अप्रैल से हम देंगे। किसको देंगे? जिसके घर में कोई बेरोजगार नहीं हो, अगर गिनती करें तो किसी के घर में, सबके घर में कोई कुछ है, लेकिन ये सिर्फ थोथलाबाजी सरकार है, कुछ देने वादा करके किसी का नहीं पूरा किया है। पेंशन देंगे, पेंशन आज लोगों को, ठगा तो बीजेपी ने भी है, अगर नहीं ठगा होता तो 18 उनके हाथों से थोड़ी जाता। ये कहना गलत है, ये गरीबों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार गरीबी हितैषी का सरकार है। आप चारों तरफ जो वादा किए, गरीबों को हम अन्य योजना के लिए देख लीजिए, चारों तरफ बिजली चारों तरफ बिछा दिए, बिजली का जाल बिछा हो, कहीं पर आज रोड नहीं है। आज देखिए नल जल योजना देख लीजिए आप, केंद्र सरकार का चारों तरफ नल जल योजना है। अगर आज कहीं पर अगर नल जल योजना भी पूरा तरह से नहीं होने पाया है तो सिर्फ कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस सरकार की वजह से नहीं हो पाया। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम सीमा जायसवाल है।
सीमा जी, महिलाओं का भी इसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा है, महिलाओं का पक्ष क्या है खासतौर पर? सर, हम लोगों का बस ये की मांग है, हम लोगों का परीक्षा अवधि खत्म होने के बाद हम लोग को शासकीकरण किया जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, या सचियों की हक की बातों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताइएगा, या इनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, या सरकार को कॉपरेट करने के लिए इस वर्ग को क्या करना चाहिए, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिख करके बताइएगा।